हेलो माय ब्यूटीफुल सोशल मीडिया फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे, हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स भी कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं स्पाइसी पास्ता विद सॉस। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे। इसको मेल्ट होने देंगे। ऑयल में बटर डालेंगे तो बटर जो है जलेगा नहीं। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। ये मेल्ट हो गया है। यहाँ पे हमने 4-5 लहसुन के जवे लेके इसको बारीक चॉप कर लिया है, ये डालेंगे। 1 मिनट के लिए इसको सॉटे करेंगे। यहाँ पे हमने 500 ग्राम चिकन लेके ऐसे छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए हैं और इसको हम डालेंगे। ये डाल के भूनेंगे, इतनी देर भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, 1-2 मिनट के लिए। इसका कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम 1 मीडियम साइज की प्याज ऐसे बारीक चॉप करके ले लिया है, ये डालेंगे। इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक, ये ऐड करेंगे। दखनी मिर्च भी कहते हैं इसको, वाइट पेपर को। इसको 1-2 मिनट 1 सेकेंड के लिए मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। यहाँ 450 ग्राम पास्ता लिया है, ये हम ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। एक मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट हमने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हम 2 गिलास पानी डालेंगे। इसकी लिड बंद करके इसको स्लो मीडियम पे इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट। जब तक ये पक रहा है हम दूसरे चूल्हे पे सॉस तैयार कर लेते हैं। इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर रहे हैं। सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन रखा है। पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाला है और 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। इसको मेल्ट होने देंगे। और साथ ही 4 लहसुन के जवे इस ऐसे बारीक चॉप करके डाला है, ये भी डाल देंगे।
30 से 40 सेकेंड इसको सॉटे करेंगे। ये हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे, कलर नहीं चेंज करेंगे, बस भून लेंगे। अब गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे। इसको भून लिया थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक गिलास दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके लम्स फ्री इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका लम्ब सारे हटा दिए हमने। आहिस्ते आहिस्ते स्टेयर करते रहेंगे तो सारे लम्ब इसके ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 पिंच काली मिर्च, 2 पिंच वाइट पेपर पाउडर, ये ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। एक टीस्पून ओरिगेनो, और 3 ऐसे स्लाइस चीज स्लाइस। अगर चीज स्लाइस नहीं है तो आप दूसरा चीज भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। इसको मेल्ट होने तक पकाएंगे। ये सॉस तैयार हो गया। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और यहाँ पे ये जो रखा हुआ था हमने स्लो में, तो ये हम देख लेते हैं। पानी भी सूख गया और ये पास्ता भी गल गए। तो अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे एक टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 1/2 कप टमाटो केचप, इसको डाल के मिक्स करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। सॉस में भी, सोया सॉस में भी नमक होता है, इसीलिए हमने कम डाला है। सॉसेस में नमक होता है इसीलिए थोड़ा कम डाला है। आप अगर टेस्ट खाते हैं नमक तो थोड़ा सा और डाल लें आप। तो ये मिक्स कर लिया। अब जो यहाँ पे सॉस बना के रखा हुआ है, ये सॉस इसमें ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और 1 से 1.5 मिनट इसको ढक के दम पे लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। डेढ़ मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्पाइसी चिकन पास्ता विद सॉस तैयार है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।